अपनी उत्पटांग हरकतों के लिए चर्चा में रहने वाले गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल को पंचायत चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। गोपाल मंडल की पत्नी सप्ता देवी को जिला परिषद चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। वो इस्माइलपुर से जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी, जहां उन्हें विपिन कुमार मंडल ने 3737 मतों की विशाल अंतर से हरा दिया। विपिन मंडल को जहां 10,075 मत प्राप्त हुए, वहीं सप्ता देवी को 6368 मत से ही संतोष करना पड़ा। ये लगातार दूसरी बार है जब सप्ता देवी को जिला परिषद के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान गोपाल मंडल भागलपुर लोकसभा सीट के लिए खुद को जदयू की पहली पसंद बता रहे थे, लेकिन उनके दावे में कितना दम है इसकी असलियत जनता ने ही बता दिया। जिला परिषद के चुनाव में पत्नी सप्ता देवी को मिली हार ने बता दिया कि गोपाल मंडल अपने उटपटांग हरकतों के कारण अपने ही क्षेत्र में लोकप्रियता खोते जा रहे हैं। विजेता विपिन कुमार मंडल ने कहा कि जो अधूरे विकास कार्य पड़े हुए हैं उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कितना वोट से जीते? 3737 मत से। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? इस्माइलपुर से। किनके साथ मुकाबला था? सीधा किए गोपाल मंडल जो वर्तमान विधायक है उनके साथ मेरा टक्कर। क्या लगता है जीत के बाद कैसा महसूस किया? जीतना तो तय था सर, जीतने में कहीं किंतु परंतु नहीं था, लेकिन जीत का मार्जिन कितना हो ये डिसाइड किया यहाँ के काउंटिंग में। हम जीत चुके थे जब नॉमिनेशन दिया तभी जीत चुके थे। कितने मतों से आप जीते हैं? 3737। आप एक विधायक जो वर्तमान में है दबंग है उनको हरा कर क्या है, जनता को क्या संदेश दिया? ये तो जनता का आशीर्वाद है, युवा साथियों का प्यार है जो हम जीते, वरना अकेले दम पे कोई जीत नहीं सकता। क्या लक्ष्य रखे हैं विकास के लिए? विकास का कार्य निरंतर जारी रहेगा। एक PWD सड़क है, जल जमाव है, स्कूल की व्यवस्था है, सड़क है, सारा समस्याओं को लेकर हम लोग लगे हुए तत्पर हैं। पिछले 5 साल तत्पर रहे और इस बार भी हम लोग पूर्णतः लगे रहेंगे विकास के कार्य।